क्या सच में फाइनल ईयर के छात्रों को मिला प्रमोशन? क्या है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन? चलिए इन सभी कंफ्यूजन्स को इस वीडियो में क्लियर कर लेते हैं। प्लीज कम्प्लीटली वीडियो को वॉच कीजिएगा, तभी आप ये मैटर कंफर्म कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बिना परीक्षा दिए पास नहीं होंगे यूजी और पीजी के विद्यार्थी। वहीं दूसरी तरफ ये खबर भी निकलकर सामने आई है कि छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है। अब ये क्या है, क्या इसकी वास्तविकता है, ये तो वक्त ही आने वाला समय ही कन्फर्म कर पाएगा। सबसे बड़ी खबर जो हम सभी के लिए जानना आवश्यक है कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी ने अंतिम वर्ष के छात्रों को किया प्रमोट। अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, ऑनलाइन परीक्षा पर काउंसिल में लगेगी मोहर। छात्र प्रमोशन का इतना बड़ा फैसला विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने स्तर पर किया। अब सवाल ये उठता है, क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियम संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक समान नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बिना इतना बड़ा कदम उठाया जाना अवश्य ही विचारणीय प्रश्न है। अब ये देखना लाजमी होगा कि ये प्रमोशन नीति वास्तव में इम्प्लीमेंट हो पाएगी या नहीं। नाउ मोस्ट अवेटिंग न्यूज ये है कि जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज फाइनल ईयर के एग्जाम्स रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला था, तो आपकी जानकारी के लिए ये ट्वीट जो है उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए अटैच किया है। आप चाहे तो इसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं, बट आपकी जानकारी के लिए इतना जरूर बताना चाहूंगी कि अब ये ऑर्डर और फाइनल डिसीजन जो सुरक्षित रख लिया गया था, अब वो 26 अगस्त वेनसडे को ही कन्फर्म हो पाएगा। टिल देन वेट एंड वॉच। तो आई थिंक कि आप सभी को ये जानकारी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस जानकारी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को समय समय पर देखने के लिए इस चैनल को रेगुलरली विजिट करते रहें और साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट अपडेट के साथ। टिल देन ओके बाय, स्टे होम स्टे सेफ।